हाउ टू परफॉर्म हैंड स्टैंड। और इसकी खास बात यह है कि बिल्कुल इजी स्टेप्स में बता रही हूँ, वो इजी स्टेप फॉलो करते हुए कोई भी एज ग्रुप का कर सकता है, बस थोड़ा सा हाथ में स्ट्रेंथ होनी चाहिए, आर्म स्ट्रेंथ इज नेसेसरी फॉर दैट। एंड सेकेंड थिंग, इसके लिए जो है आपको कोई ना कोई सुपरवाइजर होना चाहिए जो आपको देख सके, या फिर आप कह लीजिए कि असिस्टेंट हो या आपकी हेल्प कर सके। हेल्प में मतलब मम्मी भी हो सकती, पापा, फ्रेंड, ब्रदर, सिस्टर, कोई भी हो सकता है जो आपकी हेल्प कर सके ताकि आपको इंजरी ना हो, ठीक है। तो हैंड स्टैंड वी आर गोइंग टू परफॉर्म एंड बिफोर दैट आई विल शो यू द डेमोंस्ट्रेशन। This was a full demonstration. Before that, on first count you have to do 1, 2. This one is requirement. And on third count you will perform full. See once again with counting 1, 2, and 3. In fourth count you can come back. Okay. Now with other children I will show you how to perform handstand. You have to keep only. ठीक है? This 1, 2, 1, 2, yes, no, not complete, only kick, 1, yes, 2, on 1 you have to lift your front leg, front foot, it may be left or right, yes, 1 and 2, on 2 as much as kick is possible you can kick high. Now the full demonstration, start now, helper is needed to assist you and to touch this. सॉक्स इसलिए पहनाई है ताकि आपके जो मूवमेंट है, टो स्ट्रेचिंग आपकी अच्छे से दिखे, टो मूवमेंट जो है और ऑकवर्ड ना लगे। कम बैक, बाद में एक बार आप प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा तो आप विदाउट सॉक्स भी कर सकते हैं, आपको एक बार टो स्ट्रेच करने की आदत पड़ जाएगी। स्टार्ट अगेन, यस, इसमें किक जितना चाहे आप मारना है और दीवार पे आप पहले परफॉर्म करें आप, ये बहुत ही इजी स्टेप्स हैं और जैसे जा रहे हैं ना सेम सीक्वेंस यू हैव टू कम बैक, ठीक। आप इजी स्टेप फॉलो करिए, मैं गारंटी देती हूँ आपको एक घंटे में आप हैंडस्टैंड सीख जाएंगे। अगर नहीं होता तो डोंट थिंक कि मैं नहीं कर पा रहा हूँ, आप एक दो कंटिन्यू प्रैक्टिस से आप ये अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। एक घंटे में नहीं, एक दिन में, दो दिन में रेगुलर प्रैक्टिस से आप कर पाएंगे। बट उससे पहले एक नेसेसरी चीज है कि आपको कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए। यहाँ पर मैं एक चीज और कहना चाहूंगी, कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपको थोड़ी सी जनरल वार्म अप और स्ट्रेचिंग, जैसे मैंने बताया किकिंग की प्रैक्टिस करनी है, उससे पहले थोड़ी सी 10-15 और वार्म अप जरूर करिए। वार्म अप अगर आपको नहीं आती तो मेरा वीडियो वार्म अप वाला आप देख लीजिए, उसमें मैंने सीक्वेंस वाइज वार्म अप दिखा रखी है। अब बड़े बच्चे के साथ मैं दिखाती हूँ आपको, बड़ा बच्चा भी इसको इजिली परफॉर्म कर सकता है। स्टार्ट इनिशियल पोजिशन, 1 leg फॉरवर्ड, यस, स्टार्ट किक नाउ, 2 and 3, कम्प्लीट, यस, कंप्लीट। असिस्टेंट को यहाँ से हेल्प करनी है, अगर किक अच्छे से नहीं हो रही तो थाइस से थोड़ा सा पुश करके ऊपर तक ला सकते हैं और टो स्ट्रेच करना है, ये सारी उसको हेल्प करनी है, ठीक है। ज़्यादा देर तक स्टार्टिंग में नहीं रोकना है क्योंकि आर्म स्ट्रेंथ का आइडिया नहीं होता है। यस, कम बैक, सेम है, ये इजी स्टेप थे हैंडस्टैंड के। इनिशियल पोजिशन ये रहेगी, फर्स्ट स्टेप 1 count में आगे का उठेगा, देन 2 में किक, 3rd में फाइनल पोजीशन एंड 4th काउंट पे आप वापस आ सकते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए, देखिए वो बच्ची थोड़ी सी देर में इतना अच्छा कर रही है, वेरी गुड बेटा। स्टार्ट अगेन, यहाँ से असिस्टेंट को हेल्प करना है, ये बच्चा इतना अच्छे से किक नहीं कर पा रहा है, थोड़ा सा मैं सपोर्ट दे रही हूँ। यस, कम बैक, यस, अगेन यू स्टार्ट योर सेल्फ, आई विल हेल्प यू, डोंट वरी, यस यस यस, स्लोली यू हैव टू गो क्लोजर टू द वॉल। Once again try, yes, toe stretch, body tight, arm straight, yes, come back, same way. तो ये था हमारा handstand, आप प्रैक्टिस करते रहेंगे, डेफिनेटली आप विदिन आवर फोर, छोटी सी टिप, जब भी कोई जिमनास्टिक्स टर्न्स या एक्शन या एलिमेंट आप सीखें तो थोड़े से स्ट्रेचेबल या टाइट क्लोथ पहने ताकि उसमें हाथ पैर फंसे नहीं। दूसरा है, थोड़ा सा स्पेस होना चाहिए आसपास, अलर्ट रहना है ताकि इंजरीज ना हो, ये थोड़ी थोड़ी चीज़ों का आपको ध्यान रखना।